राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरी प्रचारिणी आरा जिले में स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों से वार्ता की और सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है और वे हमेशा से ही स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा कार्य देने के पक्षधर रहे हैं। समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न राज्यों विभिन्न जिलों का दौरा हो रहा है और उसी सिलसिले में आपके बीच में भी आने का मौका मिला है, आप लोगों की बात सुनने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जो जीविका की दीदियां हैं, जो स्वयं सहायता समूह था उसकी संख्या कितनी कम थी, तो हम लोगों को लगा कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और हम लोगों ने शुरू में ही कोशिश की कि आखिर जो थोड़ी बहुत भी स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, कुछ जगहों पर जाकर हम उनकी बात भी सुने थे, 6 की बात मैं कर रहा हूँ, 2006 की बात, और उसी समय हमको लग रहा था कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम हो कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ जाएं। तो इसी के लिए हम लोगों ने उस समय जो सोचा, विशेषज्ञों को बुलाया और पूरी राय करके हम लोगों ने तय किया और कहा कि काफी बड़ी संख्या में हम स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे और ये हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख कम से कम स्वयं सहायता समूह हम बनाएंगे और उसके साथ साथ हम लोगों ने जीविका दीदी कह दिया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रहेंगी महिला, जीविका का नामकरण हमने कर दिया जीविका दीदी, मतलब समझे बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, जीविका की जगह आजीविका हो गई, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो जब यहाँ शुरुआत हुआ, अब देख रहे हैं आप सब लोग, कोई बता रही है 16 में आए, कुछ भी बताए, तो कब से शुरू करा दिया हम लोग और उसके बाद भी कितनी बड़ी संख्या में अब आई है। तो हमने जो लक्ष्य रखा था 10 लाख स्वयं सहायता समूह का, अब उनकी भी संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उनकी संख्या अब हो गई जीविका दीदियों की 1,30,00,000 से ज्यादा अब पूरे बिहार में। अब मुझे खुशी है और बढ़ रही, तो हमने 10 लाख का हम कह नहीं, इसको बढ़ाएंगे, अब बढ़ने लगी। लेकिन जगह जगह जाकर शुरुआती दौर में भी हम देखते रहे कि जो भी स्वयं सहायता समूह में आई जीविका दीदियां बनी तो कितना उनको जानकारी हो रही है, कितना काम कर रहे हैं, तो जो हम देखते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उन्हीं दिनों से हम कहते रहे कि इनका काम और बढ़ाना चाहिए, मौका इनको ज्यादा मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा काम करें, अपने परिवार की स्थिति को बेहतर कर सकें, बच्चे बच्चियों को ठीक ढंग से पढ़ा सकें। अरे होता क्या था पहले, सिर्फ घर में जो मर्द रहता था वही ना थोड़ा बहुत काम करता था, हम महिलाएं तो घर में खाना बनाती थी या कभी कभी कोई खेत उसमें कुछ मदद कर देती थी, लेकिन उनको तो कोई काम नहीं था। अब क्या हो गया, अब जो इतना ज्यादा स्वयं सहायता समूह बढ़ी और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ी, अब जान न रहे हैं परिवार में, मर्द तो काम करते हैं जो करते थे, आज आप लोग बता रहे हैं कि वो नहीं रहे और हम काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आप अभी बता रहे हैं, तो अब तो स्त्री और पुरुष दोनों ने अब काम करने लगे, यही बहुत जरूरी है। तो यही हम आपसे कहने आए हैं और पुनः आपको हम दोहरा के कह देते हैं कि हम लोग आपकी आमदनी बढ़े, आपका काम बढ़वाने के लिए हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में पक्के तौर पर निश्चिंत रहिएगा आप और काम करिएगा, आपस में झंझट नहीं करना, काम करो और आगे बढ़ोगे, तो आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं पूरे तौर पर और अभी भी आपने हाथ उठा करके बता दिया है तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं, अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।